नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज जो ये खबर निकल के आ रही है दोस्तों करंट अफेयर की, वो है हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की। खबर यह है दोस्तों कि अब पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो 155 mm के जो शेल्स हैं वो इसराइल को प्रोवाइड कर रहा है, जो हमास के अगेंस्ट इसराइल यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान का दोहरा चरित्र नज़र आता है। एक तरफ तो वो हमास को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसराइल की बुराइयाँ करता है कि भाई जो हो रहा है वो गलत है, और ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम्स का सपोर्ट करने के लिए वो हमास का साथ देते हैं, पैलेस्टाइन का साथ देते हैं, हमास नहीं बोलना सही रहेगा, पैलेस्टाइन का साथ देते हैं। और यहाँ तक कि इनका जो पासपोर्ट है उस पर वो मेंशन करते हैं कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। ठीक, जब 1947 में इसराइल का बन रहा था तो पाकिस्तान ने उसका अपोज किया था, और हालांकि रिसेंट डेज में उस पर बहुत प्रेशर भी रहा कि हाँ भाई तुम इसराइल के साथ अपना चीज़ सही करो। और पाकिस्तान ने तो जब 26/11 का मुंबई पर अटैक हुआ था तो इसराइल को वार्न भी किया था कि हो सकता है ज्यूइश कम्युनिटी पे अटैक हो मुंबई में। ये कैसे पता चला? ये विकीलीक्स जो 2009 में आया था वहाँ से पता चला। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं अपनी खबर पे कि ये जो खबर सामने निकल के आ रही है कि ये सप्लाई कर रहे हैं 155 mm के शेल्स, ये कैसे प्रूव किया जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम यहाँ पे सारा लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और हमारा मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। तो ये जो खबर है दोस्तों, ये आई है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया है, पीपल टॉक शो, उसने इसको कैसे क्लेम किया कि भाई ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो उसने फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा को एनालाइज करके ये बात सामने रखी है। उसका कहना है कि देखो, ब्रिटिश एयरफोर्स का एक जहाज़ है 666-665, जो कि बहरीन से रावलपिंडी पाकिस्तान एयरफोर्स का नूर खान बेस है वहाँ आया, फिर वहाँ से नूर खान से वापस बहरीन गया, और बहरीन से दकम ओमान में गया, और ओमान से साइप्रस में गया, ठीक है, और फिर वो साइप्रस से होते हुए US के जो प्लेन्स थे उनमें उनको रखा गया, और वहाँ से जो इसराइल साउथ इसराइल में एक इसराइल का एयरबेस है नेवाटी एयरबेस, वहाँ ले जाया गया और फिर फर्दर यूज़ किया गया। ये क्लेम कौन कर रहा है? पीपल टॉक शो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अभी हालांकि US से और या ब्रिटेन से तो कोई इस बारे में इसको नहीं दिया गया है, कोई कमेंट नहीं आया, इवन पाकिस्तान ने भी कोई कमेंट नहीं किया इस बात पे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बात में हो सकता है सच्चाई हो, क्योंकि रिसेंटली जो IMF ने उसको बेल आउट दिया था पाकिस्तान को, तो उसके पीछे कई सारी शर्तें रखी गई थी, और हो सकता है उनमें से एक ये भी हो। और इससे पहले भी पाकिस्तान का नाम आता रहा है कि वो यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहा था एम्यूनिशन, तो उस समय भी पाकिस्तान ने डिनाई तो किया था, लेकिन हाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं IMF का जो ये बेल आउट पैकेज मिला है उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान को ये करना पड़ रहा है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसके बिल के अगेंस्ट भी जा करके उसको ये करना पड़ रहा है। देखो, तो जहाँ तक लगता है इसराइल का, तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। जो यहाँ तक लिख रहा है अपना पासपोर्ट पे कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, तो वो तो लगता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर रहे होंगे। उनको हाँ आर्म टेस्टिंग की जा रही है यूरोपियन पावर्स के थ्रू या वेस्टर्न पावर्स के थ्रू, और मजबूर किया जा रहा है कि हाँ भाई तुमको और बेल आउट चाहिए तो ये करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की स्थिति अभी इतनी ख़राब है कि उसको मानना ही पड़ेगा ये शर्त। तो ये है उनका एक ट्वीट जो उन्होंने एक्स पे किया था, और वहीं से ये पूरी रिपोर्ट निकल के सामने आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।